रही है। एक छोटे से मोहल्ला और आजू बाजू के जो हमारे बहने हमारे भाई हैं जो यहाँ अपने बच्चों को लेकर आकर है, ये आपकी मेहनत आपके दिल में जो जज्बा है वो जाहिर करता है। आप अपने बच्चों के लिए जो लगन रखते हैं, उनके आने वाली जिंदगी के लिए जो सोचते हैं, वो यहाँ पर जाहिर हो रहा है। मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि हमारी एक लिमिट तक सेवन टेंथ तक जाकर हमारी जो पढ़ाई है वो खत्म हो जा रही है। उससे आगे तालीम हासिल करना हमारे लिए बहुत जरूरी है। डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना, लाहिर बनना, यहाँ पर बात करने वाले हमारा अनिल साहब एमएलसी साहब हो, हमारे जज साहब हो और हमारे डीवाईएसपी साहब हो, बहुत सारे बातें हमारे सामने रखकर हैं। आपको उसमें कितने बातें मालूम हुए नहीं मालूम है, मुझे मालूम नहीं, मगर एक एक बात भी बहुत ही कीमती बात हमारे सामने पेश कर गई। इससे पहला लफ्ज अल्लाह तआला ने हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिया, उसके ऊपर हम अमल करके हमारे बच्चों को आज छोटे मोटे तालीम से कुछ नहीं होता है, बड़ी तालीम तक ले जाना है। जैसी मेहनत में जैसी लगन सुबह ही उठकर नाश्ता बनाकर अपने बच्चों को खुद में ले लगाकर स्कूल में छोड़ते है, इनकी निगेबानी उनके अखलाक के ऊपर भी आज घर से बाहर गैलेज के बाहर बच्चा निकला तो वो उसके बाहर की हालत बिगड़ी हुई है। सब हमारे जैसा बता रहे थे आप ड्रग्स ऐसे ऐसे ड्रग्स पी रहे हैं, खुद माँ बाप को बाजू बच्चा सोता है तो मालूम नहीं होता ये क्या खाकर आया है करके, ये सब इंक्वायरी करना, उनके पीछे वोट देना। और सबसे पहले अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस में पढ़ा था, वो आपको बताना चाहता हूँ कि मगरिब के बाद बच्चों को बाहर ना छोड़े, मगरिब के बाद अपने बच्चों को अपने घरों में रखे, बड़े बच्चों को भी कम से कम 2 बजे के बाद घरों में रखे, इससे हम उनकी हिफाजत होगी। आज हालात बहुत बुरे हैं, तालीम के पर जो जज्बा लेकर आप लोग बच्चों को पढ़ा रहे हैं, इसे उनकी जिंदगी में कुछ बना सकते हो, अपने जज्बे को कायम रखकर उनकी जरूरतों को अगर जरूरत पड़े तो हमारे मोहल्ले वाले हो तो हमारे से भी राय मशवरा करें, हम भी वो बच्चों को आगे क्या पढ़ाना है इन सबसे मालूम करके आपको बताएंगे। इंशाल्लाह आप जो मेहनत कर रही है अल्लाह उसका कबूल करे। और ये जो यहाँ पर जो स्कूल वाले जो यहाँ पर हमारे साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, हर एक चीज में ये हमारे स्कूल करके हम आकर उनसे रिक्वेस्ट करते हर एक बात को मानते ही, इंशाल्लाह आगे भी जरूरत पड़े तो हम आपके साथ रहेंगे। चल बातें कहते हुए मेरी बात को खत्म करता हूँ। अस्सलाम वालेकुम। Oh,